राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच आज भी विधायक दल की बैठक जारी। सीएम गहलोत की बुलाई बैठक में फिर नहीं आए सचिन पायलट। पायलट के समर्थक विधायकों का सामने आया पहला वीडियो, 30 विधायक के साथ होने का दावा। गुरुग्राम के होटल में ठहरे हैं पायलट के समर्थक विधायक। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद होटल में शिफ्ट किए गए विधायक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधायकों को होटल शिफ्ट करने से पहले अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन, सीएम हाउस में मीडिया के सामने 109 एमएलए के साथ का दावा। कल शक्ति प्रदर्शन के वक्त अशोक गहलोत ने दिखाया विक्ट्री साइन, मौजूद रहे रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। सचिन पायलट की बीजेपी में एंट्री पर देर शाम तक बीजेपी नेताओं का हुआ मंथन, कल शाम सचिन पायलट से एक कैबिनेट मंत्री की मुलाकात की खबर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक शीर्ष नेता और एक कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सियासत पर बनाए हुए हैं नजर। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट की बगावत को ज्यादा खींचना नहीं चाहती कांग्रेस, कल प्रियंका गांधी ने 3 बार पायलट से की बात। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी बुलंद किया बगावत का झंडा, पायलट गुट में हुए शामिल, ट्वीट में लिखा मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहता हूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल जाने वाले राहुल के बयान की दिलाई याद। कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के भी बागी तेवर, सीएम गहलोत के नेतृत्व पर उठाए सवाल। अब से कुछ ही देर में राजस्थान बीजेपी की बैठक, मौजूदा हालात पर मंथन। राजस्थान में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी, सीएम गहलोत करीबियों के यहां रेड, जयपुर में छापेमारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमा भारती से की मुलाकात, पारिवारिक रिश्तों का दिया हवाला। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर वार, कहा प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका था। पश्चिम बंगाल में हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत पर बढ़ा सियासी बवाल, बीजेपी ने आज नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया। पश्चिम बंगाल के रायगंज में दिखा बंद का असर, बीजेपी के विधायक की हत्या का लगाया है आरोप। सिलीगुड़ी में बीजेपी के बंद का दिखा असर, बस स्टैंड पर खड़ी नजर आई बसें। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का आरोप, विधायक देवेंद्र नाथ की हत्या कर लटकाया गया शव। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उनके गुंडे इस तरीके का काम में एकदम माहिर है, तो ये बहुत बहुत शर्म की बात है। विकास दुबे एनकाउंटर केस में पुलिस को बड़ी सफलता, 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बिकरू गांव में पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद लूटे गए हथियार किए बरामद, विकास दुबे के घर से लूटी गई AK-47 और 17 कारतूस बरामद। अपराधी शशिकांत के घर से लूटी गई एक इंसास राइफल और कारतूस बरामद, 11 आरोपियों की तलाश जारी। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, लखनऊ के आलमबाग में एटा के जिला पंचायत सदस्य पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, हमले में ड्राइवर घायल। भारत और चीन के बीच आज फिर होगी बातचीत, दोनों देशों के कोर कमांडर्स की आज चौथी बैठक। बैठक में भारत फिर चीन को वापस जाने के लिए कहेगा, अप्रैल वाली स्थिति में जाने की होगी बात। लद्दाख के चुशूल में सुबह 11:30 होनी है बैठक, गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत जारी। चीन के शहर पर नेपाल का भारत से उलझना जारी, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर दिया विवादित बयान। ओली ने दावा किया राम का जन्म भारत नहीं नेपाल में हुआ, ओली ने यूपी की अयोध्या को बताया नकली अयोध्या। यूपी सरकार ने भी ओली के बयान पर जताई आपत्ति, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पता नहीं किसके इशारे पर दूसरी अयोध्या की कर रहे हैं बात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों का अपना अस्तित्व आज खतरे में। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर अयोध्या के संतों में गुस्सा, ओली से माफी की मांग। बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान, नेपाल की वामपंथी सरकार की भगवान राम में आस्था से है खुशी। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी नेपाल के पीएम के बयान पर जताई आपत्ति। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 28,498 कोरोना मरीज बढ़े, पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की हुई मौत।
महाराष्ट्र में 2,61,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 6,400 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में अब तक 5,300 लोगों की मौत, एक दिन में 47 ने गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना पीड़ित बढ़े, 1,664 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। कोरोना से जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार, दुआओं के लिए बिग बी ने शायराना अंदाज में कहा धन्यवाद। अभिषेक बच्चन की तबीयत पहले से बेहतर, बच्चन परिवार के संपर्क में आए 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। मुंबई के डब्बा वालों ने अमिताभ के लिए की प्रार्थना, जल्द बेहतरी की दुआ मांगी। वाराणसी के एक पान विक्रेता ने पेश की मिसाल, कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर बेच रहा है पान। बिहार बीजेपी में कोरोना का कहर, 75 बीजेपी नेता और दफ्तर से जुड़े कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। वेब सीरीज के शूट के लिए दिल्ली से मुंबई आई अभिनेत्री डोनल बिष्ट का खुलासा, विमान में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ग्वालियर में कल शाम 7 बजे से एक हफ्ते के लिए लगा कर्फ्यू, कलेक्टर ने टोटल लॉकडाउन का दिया आदेश। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से 20 जुलाई तक लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। 6 दिन की नवजात बच्ची के लिए प्लाज्मा ले जा रहा है परिवार का एक्सीडेंट, प्लाज्मा नहीं मिलने से मासूम ने तोड़ा दम।